चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। वहीं उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत से बिलासपुर के संवाददाता ने चुनावों को लेकर खास बातचीत की, सुनवाते हैं। जनता टीवी की खास बातचीत के लिए हमारे साथ इसमें मौजूद है उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी। हरीश रावत जी, जनता टीवी में आपका सबसे पहले स्वागत है। बहुत धन्यवाद। प्रदेश का दौरा कर रहे हैं आप, कांग्रेस को कितना मजबूत मानते हैं आप? कांग्रेस हिमाचल में हमेशा मजबूत रही है। ये तो हिमाचल तो कांग्रेस का मायका रहा है। इंदिरा जी के समय से जो रिश्ता जो है डॉक्टर वाईएस परमार ने कांग्रेस के साथ स्थापित किया था और उसको वीरभद्र सिंह जी ने आगे बढ़ाया। आज वीरभद्र सिंह जी हमारे बीच में नहीं है तो लोग, हिमाचल के लोग उनकी स्मृति को याद करके जो है कांग्रेस को लाना चाहते हैं। लगातार बेरोजगारी बढ़ रही है, कांग्रेस की सरकार आती है तो किस तरह से बेरोजगारी खत्म की जाएगी? कहा है ना आपने घोषणा पत्र में कि हम जो 63,000 पद इन्होंने खाली रखे हैं, जो अपराध इन्होंने बेरोजगार नौजवानों के साथ किया है, हम पहली ही बैठक में कैबिनेट की 63,000 पदों को भरेंगे और उल्टे जो है 37,000 नए पद सृजित करेंगे ताकि 1,00,000 लोगों को रोजगार मिल सके। और हमने 5 साल में 5,00,000 रोजगार की बात कही है। और ये हमेशा जुमलेबाजी करते हैं, जब इन्होंने देखा यार कांग्रेस ने ये कह दिया है तो अब 8,000 की बात कर रहे हैं, हम इनसे केवल इतना भर पूछ रहे हैं कि भाई हे मोदी जी के महान भक्तों, तुम्हारे नेता ने जो है 2014 में कहा था हर साल 2 करोड़ नौकरियां, और अब वो 2 करोड़ घटते घटते ये साल आखिरी साल में जो है 10,00,000 में आ गए हैं, तो तुम्हारे किस जुमले पर विश्वास करें 2014 के और आज के जुमले पर जो है। तो इसलिए भाजपा का ट्रैक रिकॉर्ड रोजगार के मामले में बहुत कमज़ोर है और हमारा ट्रैक रिकॉर्ड बहुत मजबूत है। वीरभद्र सिंह जी जिस समय मुख्यमंत्री थे हिमाचल में बेरोजगारी की वार्षिक वृद्धि दर देश में सबसे कम थी, 2% के नीचे थी और 2-3% से नीचे थी। और आज जो है देश में, दुनिया में सबसे ज़्यादा बेरोजगार हिंदुस्तान में है और हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा बेरोजगार हिमाचल के अंदर है। भाजपा अपने बड़े बड़े स्टार प्रचारक हिमाचल भेज रही है, क्या कहेंगे? उनके स्टार बड़े जो है वो तो स्टार वार में है और हम ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हैं आसमान में, हमारे छोटे छोटे जुगनू सब जगह चमक रहे हैं और पूरे पूरे हिमाचल को रोशनी देने का काम कर रहे हैं। हमारे तो जिले जिले में स्टार हैं, क्यों बदलेंगे? इसलिए कि तुम एक छकड़ा सरकार फिर दे दो जो नहीं चली है, एक फिर जयराम दे दो जो इतनी लचर सरकार दी है। अरे जब वीरभद्र सिंह जैसी सरकार दो तो लोग जो है रिपीट करेंगे, जब तुम जयराम जी की सरकार दोगे तो लोग तो इंतजार कर रहे हैं किस दिन, कर रहे हैं थल्ले थल्ले जो है। इसलिए कांग्रेस जो है लोग यहाँ कांग्रेस को लाएंगे और बल्ले बल्ले कहेंगे। तो जनता टीवी की खास बातचीत में हमारे साथ मौजूद है उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी। जनता टीवी के लिए बिलासपुर से अपने सहयोगी के साथ सुभाष ठाकुर की रिपोर्ट।